हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये है प्यारा सा मेरे लखनऊ का रूमी गेट। और आइए चलते हैं अंदर बड़े मामबाड़े के। और ये है इमामबाड़े के सामने का, एकदम सामने का। ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये है खूबसूरत सा इमामबाड़ा। चलिए आइए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं हम। और ये है बहुत ही खूबसूरत सा इमामबाड़े के अंदर का व्यू। ये है साइड में पार्क। और ये यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। इस इमामबाड़े को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी फॉरेन से आता है वो अगर लखनऊ आया है तो बड़ा इमामबाड़ा देखे बगैर जाता नहीं है। और ये देखिए अंदर से इमामबाड़े का व्यू, देखिए कितना खूबसूरत है। पहले यहाँ पे टिकट नहीं हुआ करता था, आज यहाँ पे टिकट भी है और मेरे हस्बैंड टिकट लेने गए हुए। फिर अंदर चलते हैं। और ये टिकट लेके हम लोग अंदर आ गए हैं। ये देखिए, और ऊपर आपको दिख रही है भूल भुलैया। ऊपर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह का टाइम है और वहाँ जाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। और ये है इमामबाड़े की खूबसूरत सी मस्जिद। बैठा देख ऐसे। ये है सामने बावली कुआं और ये है उसका रास्ता, बावली कुएं का रास्ता है। और ये है अंदर एंट्रेंस भूलभुलैया का, सॉरी बावली कुएं का। आई दिखाते बावली कुएं का। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ही हसीन मंजर है। ये देख लें आप, इसकी खूबसूरती ही देखने के लिए कहां कहां से लोग आते हैं। और ये है यहाँ का खूबसूरत सा परिसर, जिसमें एक यहाँ के भाई हमको लेके जा रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। चौथे नवाब, नवाब बासुदौला, चौथे नवाब के वक्त पर जी जी, इनका ये कहना था कि दुनिया मोरंग बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्डिंग बनी है खाने पीने चीजों से तैयार की है। इसमें मिट्टिया लगा हुआ है, गन्ने का जूस, बेर का जूस, माश की दाल, सुर्खी चूना, सिंघाड़े का आटा, पीट और लकौड़ी और गुण। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हम लोग आपस में दूसरे बुराई मत करेंगे, दीवार लगे भी कान होते हैं। जिस टाइम हमारे मोबाइल वोबाइल नहीं हो करता तो उस टाइम लोग दीवार के जरिए सुनते थे कि कौन कहाँ पे मेरी बातें कर रहा है। उसके बाद अभी हम आपको अंदर बैठ के, जहाँ से हमने टिकट खरीदा है वहाँ का आदमी अंदर बैठ के पानी में उसकी तस्वीर देख सकेंगे। ये बिल्डिंग 7 मंजिला है, जिसका 4 माला पानी में है और 3 माला ओपन आएगा। आइए अंदर चलते हैं आप लोग। और इस बिल्डिंग के सबसे खास जमाने में इमामबाड़ों में, दरगाह में, बॉली कुएं में रोशनी नहीं थी। उस जमाने में लाइट की रोशनी कैसे की जाती थी? देखिए पूरी बिल्डिंग में दीवाले वाले दिए रखे और चिराग रख के लाइट की रोशनी की जाती थी। जो है आइए आप लोग, अभी हम आपको बनाने जा रहे हैं कि हम लोग आपस में दीवार पर बनाने जाते हैं। और ये दीवारें मोटी मोटी हैं और यहाँ से देखिए सामने का व्यू अच्छा लग रहा है। और ये सब इतनी ठंडी है, अंदर इतना ठंडा है कि जैसे एसी चल रहा हो। एक बात को समझिएगा आप जी, टिकट कहाँ से खरीदा था आपने? बाहर से जी जी। आप टिकट लेके आ रहे थे तो हमको यहीं से बैठ के देख रहे थे जी। आप समझिए कहाँ मेन गेट और कहाँ हम। वो टिकट लेके आएगा या बगैर टिकट के आएगा तो वीडियो बनाएगा, फोटो खींचेगा, तो उसको हम यहाँ से बैठ के उसकी तस्वीर दे सकेंगे। मतलब आप सबको देखेंगे लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा।
यही तो यहाँ का कमाल है। अब घर तक समझते रहिए। हाँ, ये पहले की जो टेक्निक बहुत अच्छी थी। देखिए पानी दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग चढ़ के ऊपर आ गए हैं जीने से। और ये है, ये देखें जी, देखिए इसको नवाब साहब की शाही पौड़ी कहते हैं जी। इसका पानी जो आता था खजरीवाल में गोमती नदी है उससे अटैच था। गोमती नदी का पानी कम हो गया, इसका पानी सूख गया। आज से कई साल पहले जब लोग बॉलिंग घूमने आते थे अपने दूर से खास करके सिक्के लेके आते थे और सिक्के में देखते थे जिस पर पानी रहा, पानी खत्म होकर लोगों ने पीना बंद कर दिया। नवाब साहब जो खदानची थे उनका नाम था मेवालाल रस्तोगी। तो खदाने की चार में सिक्कुए के अंदर लेके कूदे, इसकी नदी निकले गोमती नदी। ये इसके नीचे चार वाला बिल्डिंग और भी है आएगा। और फिर हम जीने चढ़ के और ऊपर जा रहे हैं। देखिए ये वो मंजर दिख रहा है जहाँ से हम लोग अंदर से आए हैं ना। बाहर से ये वो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ये यहाँ की टेक्निक है जो पहले जमाने में लोगों ने यूज की है। देखिए कितना अच्छा है, ये बिल्कुल बाहर रोड का मंजर दिख रहा है। नमाज पढ़ने मस्जिद बनी हुई है, उसका नाम है आज़फी मस्जिद। चैलेंज किया है कि लेके तो हम आए, आप बाहर निकल के दिखाए। तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है और देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। चलो इधर से चल के ट्राई मारते नहीं जा। और बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को नीचे जाने के लिए जीने मिल गए हैं और हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं। एक बार हम आपको और बॉली कुआं दिखा दे रहे। देखिए जो भाई हमको लेके आए थे वो खड़े हैं एकदम सामने। और एक बार ये देखिए बॉली कुआं, ये सात माला बिल्डिंग है अभी भाई ने बताई। इस बॉली कुएं का पानी जो है वो सूख चुका है क्योंकि गोमती नदी का पानी वो बोल रहे कम हो गया है और गोमती नदी से ही इसका कनेक्शन है। तो चलिए आइए नीचे चलते हैं, भाई का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया है। और हम लोग गलत आ गए, भाई ऊपर है और हम लोग नीचे चलते चले आ गए क्योंकि ये सात माला बिल्डिंग है। अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। और अब हम लोग आए साथ में, ये दो लोग भी हैं जो हम लोग के साथ साथ जो रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आखिरकार हम लोग को रास्ता मिल गया और हम लोग आ गए ऊपर। ये देखिए बाहर निकल आए हैं। सवाल और भी है, जैसे अभी आपने ये पूछा था कि इतने दर छोटे क्यों है, क्या मकसद है छोटा बनवाने का। देखिए नवाब का आधार हो जाएगा सब जुबा के मस्जिद के सामने, बैठे ऊँचे बने इधर थोड़ी ना जाएगा, जाएगा उधर ही से है ना। आई चलिए वो देखिए सामने मस्जिद का ऊपर से मीनार दिख रहा है। और ये भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये है बाहर जाने का रास्ता। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए हमने खाली बावली कुएं की वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊंगी ऊपर से भूल भुलैया की वीडियो। तो यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझको दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।